हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेकअप ग्रेड। इस वीडियो में हम अल्टरनेटर क्या है और उससे क्या वर्किंग होता है और उसके मुख्य कंपोनेंट के बारे में जानेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए अल्टरनेटर होता क्या है। व्हाट इज अल्टरनेटर? अल्टरनेटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिक मशीन होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसलिए इनसे सिंक्रोनस जनरेटर्स या एसी जनरेटर भी कहा जाता है। चलिए अब इसके मुख्य कंपोनेंट को हम दिखाते हैं स्क्रीन पे। देखिए स्क्रीन पे अल्टरनेटर के मुख्य कंपोनेंट को दिखाया गया है, जैसे कि आप रेगुलेटर, बियरिंग, स्लीप, रेक्टिफायर, रोटर और स्टेटर आदि को स्क्रीन पे दिखाया गया। अब इसके मुख्य वर्किंग मेथड को समझ लेते हैं। चलिए देखिए कन्वेंशनल चार्जिंग सिस्टम। इनसाइड ए टिपिकल ऑटोमोबाइल अल्टरनेटर देयर आर थ्री कॉइल्स वाउंड अराउंड ए सर्कुलर आयरन कोर। आयरन कोर का एक बना होता है जिसपे थ्री लेयर्स होते हैं, थ्री कॉइल्स वाउंड होते हैं, यानी कि जो कोर बना होता है आयरन का उस पर तीन कॉइल लपेटे जाते हैं। दिस असेंबली इज रिफर्ड टू एज द स्टेटर। यही असेंबली क्या कहलाता है? स्टेटर आर फील्ड को शो करता है। एट द सेंटर ऑफ द स्टेटर इज एनोदर इलेक्ट्रिक असेंबली कॉल्ड एन आर्मेचर आर रोटर। ये असेंबली में एक अलग से दूसरी इलेक्ट्रिकल असेंबली होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं या रोटर कहते हैं। दिस असेंबली रोटेट्स विद द पुली डैट इज ड्रिवन बाई द इंजन। यह असेंबली जो होता है वो रोटेट करता है इंजन के द्वारा, ठीक है। जो इस पर चक्का होता है, चरखी होती है, पुली में जो चक्का होता है, ये किससे रोटेट करता है? तो इंजन के द्वारा रोटेट करता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड विथ वेन द रेगुलेटर अप्लाइज ए स्मॉल करेंट। जो मैग्नेटिक फील्ड है यह उत्पन्न होता है जब रेगुलेटर जो है ये छोटा सा भी करेंट यहाँ से बहता है, तो नन एज एक्साइटेशन करंट, जिसे हम एक्साइटेशन करंट के नाम से जानते हैं, टू दी आर्मेचर कन्वर्टिंग इट इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो आर्मेचर है ये बदलता है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। नेक्स्ट है व्हेन रोटर रोटेट्स दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कट। जब रोटर रोटेट करता है यानी कि जब यह घूर्णन करता है तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो कट जाता है द स्टार्टर कॉइल से इंड्यूसिंग एसी करंट इन देम, और उसमें एसी करंट इंड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। रेक्टिफायर थ्रू इन बिल्ट डायोड, जो रेक्टिफायर है वो कन्वर्ट दिस एसी करंट इनटू डीसी करंट। तो जो इसके अंदर रेक्टिफायर लगा होता है यह एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। ओवरऑल पावर आउटपुट ऑफ द अल्टरनेटर डिपेंड्स अपॉन, जो ओवरऑल पावर है यानी कि करंट है आउटपुट अल्टरनेटर का, वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे, मजबूती पर। एग्जांपल अमाउंट ऑफ एक्साइटनेस करंट एंड आरपीएम ऑफ रोटर, और रोटर के जो आरपीएम है उस पे डिपेंड करता है ओवरऑल पावर, ठीक है। चलिए और इसके मेथड को आगे और समझते हैं डिटेल्स। मुख्य रूप से समझिए द फंक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर इज टू कन्वर्ट सम ऑफ द रोटेशन एनर्जी फ्रॉम द इंजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो मुख्य कार्य होता है अल्टरनेटर का वह क्या कन्वर्ट करता है? रोटेशनल एनर्जी को यानी कि घूर्णन ऊर्जा को वो इंजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। टू इंश्योर द बैटरी रिमेन फुली, जिससे कि बैटरी हमेशा फुल चार्ज अवस्था में बना रहे, एंड प्रोवाइड पावर फॉर द व्हीकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और जो पावर प्रोवाइड करता है व्हीकल को वो इलेक्ट्रिक सिस्टम के द्वारा करता रहे, इसलिए अल्टरनेटर का यूज किया जाता है। द अल्टरनेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड। जो अल्टरनेटर है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे वर्क करता है जो कि फैराडे लॉज ने दिया था उसके सिद्धांत पे। एक चीज़ और दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड अकर्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटेड बाय मूविंग ए कंडक्टर थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एक कंडक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है कि मूव करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस होता है जिसके कारण इट कैन आल्सो अकर, यह तब भी घटित होता है व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड पासिस थ्रू ए कंडक्टर, जब मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर के थ्रू पास करता है। टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी इन डीसी जनरेटर, सोचिए इलेक्ट्रिसिटी जो है डीसी जनरेटर में क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए द कंडक्टर इज रोटेट, जो कंडक्टर है वो रोटेट करता है
गुणन करता है एंड द फील्ड इज हेल्ड, और जो उसमें फील्ड क्रिएट होता है उसे वैसे ही रखा जाता है इन एन अल्टरनेटर, यानी कि अल्टरनेटर में। द कंडक्टर इज हेल्ड स्टेशनरी, जो कंडक्टर है उसे स्टेशनरी रखा जाता है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटेड, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वही रोटेट करता है। तो किसमें स्टेशनरी किसको रखा जाता है, जो कंडक्टर इसके अंदर लगा होता है अल्टरनेटर के अंदर उसे स्टेशनरी रखा जाता है, यानी कि स्थिर अवस्था में रखा जाता है। चलिए अब इससे जो करंट निकलता है कहाँ से, देखिए बैटरी से वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी लोड से जुड़ा होता है, जो कि अल्टरनेटर क्या करता है ये आपको भेजता है, और इंजन स्टार्ट होते ही ड्राइविंग ट्रेंस द्वारा गियर वगैरह जुड़े होते हैं, जिससे कि हमारा जो रोटेशन है फाइनली व्हील पर पहुंचता है, जिससे गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये मुख्य अल्टरनेटर का कार्य है, जो कि अन्य ऑटोमोबाइल वगैरह में भी यूज किया जाता है। सभी ऑटोमोबाइल में अल्टरनेटर एक मुख्य डिवाइस है, जो कि अपने द्वारा करंट उत्पन्न करके फाइनली पहियों तक गुणन गति को भेजना, और पहिए से हमारा जब पहिए आगे बढ़ता है तो हमारी गाड़ियाँ आगे बढ़ती है, इसी वजह से अल्टरनेटर का यूज किया जाता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो है अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।